हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचितास टेबल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता, और वो भी 10 मिनट में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, और वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे, और हम यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और हमें इसे अच्छी तरीके से कुक होने देंगे 2 मिनट तक, एकदम लो फ्लेम में, वरना ये जल जाएगा। तो ये अच्छी तरीके से कुक हो गया है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे मिल्क। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मिल्क डाला है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे नॉन स्टॉप 2 से 3 मिनट तक, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और एक क्रीमी स्ट्रक्चर का हम वेट करेंगे, वो 2 से 3 मिनट के बाद आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखने में एकदम क्रीमी क्रीमी लग रहा है। तो ये अब रेडी है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए पास्ता, मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा सेजवान सॉस डाल देंगे, मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इटालियन सीजलर डाल देंगे। आप अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें ओरिगन और चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक पेपर थोड़ा डाल देंगे और थोड़ी सी नमक डाल देंगे, और ये सब डालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे चीज़। आपका जितना मन करे यहाँ पर चीज़ डाल सकते हैं, आप जितना चीज़ ही चाहते हो उतना चीज़ डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीज़ डाला है। तो अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, और ये हमारी व्हाइट सॉस पास्ता बनके रेडी है, वो भी 10 मिनट में। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। अभी हम ये पास्ता एक प्लेट पे डालेंगे और इसका मज़ा लेंगे। तो इसे हम प्लेट पे डाल देंगे अभी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर चीज़ डाल रही हूँ, और इसके ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। पर ये हमारी व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है, आप इसे घर पे 10 मिनट में बना के खा सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।